दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी आपको होता है तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। नमस्ते दोस्तों, ये जो बीमारी है इसके बारे में आम इंसान उतना ज्यादा जानते नहीं है। ये बीमारी पूरे दुनिया में करीब 0.01-0.05% लोगों में होता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे प्राइमरी केयर डॉक्टर्स इस बीमारी को सोरियासिस बोल के डायग्नोसिस कर देते हैं, जिस वजह से इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिलेड हो जाता है और इससे होने वाले और जितने खतरे हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बीमारी लड़कियों में ज्यादा देखा जाता है। इस बीमारी का नाम है डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस और DLE। ये बीमारी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंसान में, मतलब जेनेटिकली जिनमें ये बीमारी होने का संभावना है उनमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स के वजह से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, कुछ इन्फेक्शन, ट्रॉमा, स्ट्रेस या तो फिर कुछ दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से ये बीमारी उनमें स्टार्ट हो जाता है। इस बीमारी में मोस्ट कॉमनली गोल गोल एरिथेमेटस यानी लाल रंग के प्लक्स दिखाई देते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हमारे स्कैल्प में, हमारे गालों में, नाक के ऊपर, होठों पे, कान के पीछे या कानों के अंदर भी, कभी कभी गले में, चेस्ट में और भी हमारे स्किन के जो सन एक्सपोज्ड एरियाज रहते हैं उनमें दिखाई देते हैं। ये जो स्किन लेशंस होते हैं ये सोरियासिस की तरह ही दिखने में होते हैं। सोरियासिस की तरह ही ये वेल डिफाइंड गोल गोल प्लक्स होते हैं। सोरियासिस की तरह ही इनके ऊपर स्केलिंग रहता है, लेकिन सोरियासिस का जो स्केलिंग या पपड़ी होता है वो खुजाने से बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन इस बीमारी में जो स्केल या पपड़ी रहता है वो इस बीमारी के जो स्किन लेशंस है उनमें बहुत अच्छे से चिपके हुए रहते हैं, जिससे आसानी से खुजाने में या उसको स्क्रैच करने से वो जो स्केल या पपड़ी है आसानी से निकलते नहीं है, जिसको एडहेरेंट स्केल्स बोला जाता है। जनरली हम इस बीमारी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है लोकलाइज्ड और दूसरा है डिसेमिनेटेड। ये जो हमारा हड्डी है इसको क्लेविकल बोलते हैं। जब इस बीमारी का जो स्किन लेशंस है वो इस हड्डी के सिर्फ ऊपर के भाग में यानी हमारे चेहरे में, गले में या गर्दन में रहता है, तब हम उसे लोकलाइज्ड डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटस कहते हैं। और जब ये जो स्किन लेशंस है ये इस हड्डी के नीचे भी रहता है, जैसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तब हम इसे डिसेमिनेटेड डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस या तो फिर DDLE कहते हैं। इस बीमारी में स्कैल्प में जो लेशंस होते हैं वहां अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो विदाउट ट्रीटमेंट वहां पे स्कारिंग हो सकता है और परमानेंट बॉल्डनेस हो सकता है। स्किन में जो लेशन दिखाई देते हैं उनमें भी विदाउट ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक अगर ये रह जाए तो उसमें स्कारिंग हो सकता है, वहां पे सफेद सफेद दाग हो सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है। लेकिन विद ट्रीटमेंट इस बीमारी का जो लेशन होता है वो बहुत हद तक विदाउट एनी स्कार इंप्रूव हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके इस बीमारी का डायग्नोसिस होना और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि जितना हो सके हम परमानेंट हेयर लॉस यानी परमानेंट बॉल्डनेस या परमानेंट स्कारिंग को रोक पाए। जब इस बीमारी को हम किसी पेशेंट में क्लिनिकली देख के सस्पेक्ट करते हैं तब इसको कॉन्फर्म करने के लिए हमें बायोप्सी करने की जरूरत पड़ता है। पार्टिकुलरली इस बीमारी को सोरियासिस, लाइकेन प्लैनस, ल्यूपस वल्गरिस इत्यादि जो बीमारियां है जो इसके तरह ही दिखता है उनसे अलग करने के लिए बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके बहुत रेयरली इस बीमारी से हमें स्किन का कैंसर भी हो सकता है, पार्टिकुलरली स्क्वामस सेल कैंसर हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी उसको डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी करने की जरूरत पड़ता है। अब डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस से हमें कभी कभी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो कि एक बहुत बड़ा बीमारी है जिससे हमारे शरीर के अंदरूनी बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बीमारी हो सकता है, वो खड़ा हो सकते हैं। तो अंदरूनी कोई बीमारी हमें है या नहीं, या कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है या नहीं, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ दूसरे इन्वेस्टिगेशन भी हमें करने की जरूरत पड़ता है। अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसिल। हमें पेशेंट्स को यह समझाना होगा कि इस बीमारी में रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। रेगुलर इंटरवल में डॉक्टर के पास जाना, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करना, कुछ ब्लड टेस्ट करना, ताकि हम पता लगा सके कि इस बीमारी से हमें अंदरूनी कोई और बीमारी हो रहा है या नहीं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस इससे हो रहा है या नहीं, ये पता कर सके और जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। और उसके साथ पेशेंट को ये भी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को ठीक रखने के लिए हमें सूरज के किरणों से खुद को बचाना कितना जरूरी है। उसके लिए बोथ फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन का इस्तेमाल दोनों ही बहुत जरूरी है।
अब इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जब लोकलाइज लेशन रहता है यानी लोकलाइज डिस्कॉइड ल्यूकस एरिथेमेटस रहता है, कुछ ही एरियाज में स्किन लेशन पाए जाते हैं, तब सिर्फ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से उतना इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है या तो फिर ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुका है, तब सिस्टेमिक स्टेरॉइड यानी खाने का स्टेरॉइड दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिस्टेमिक स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे इम्यूनो सप्रेसिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टिकुलरली हम इस बीमारी में एंटी मेलेरियल्स दवाई जिनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली करते हैं। अब कौन से पेशेंट में कौन सा सिस्टेमिक दवाई देना है ये तो आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और आपके इस बीमारी का आप अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए ताकि इससे होने वाले परमानेंट स्कारिंग या परमानेंट हेयर लॉस या अंदरूनी कोई बीमारी अगर है तो उसको अच्छे से जल्दी से डिटेक्ट कर पाए और उसका सही से ट्रीटमेंट कर पाए ताकि हम आपको इस बीमारी से होने वाले जो खतरे हैं, जो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, उनसे आपको बचा पाए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।